स्किन केयर क्लिनिक की मालकिन से दुष्कर्म, मुंह बंद रखने के लिए दिए 3,81,000 रुपए। 29 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेड़ी गंडिया के नजदीक नहर के किनारे आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद आरोपित उसे चंडीगढ़ के एक होटल में ले जाने के लिए दबाव बनाने लगे। थाना खेड़ी गंडिया इलाके में एक 29 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला स्वर्ण सिंह निवासी मोमनाबाद अहमदगढ़ जिला मलेरकोटला के खिलाफ दर्ज हुआ है। पीड़ित युवती ने इसी वर्ष जनवरी में SSC ऑफिस में लिखित रूप में शिकायत दी थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 7 फरवरी को केस दर्ज किया है। थाना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने कहा कि पीड़ित महिला को बयान देने के लिए थाने में बुलाया गया है। युवती के बयान लेने के बाद कई पहलुओं पर जांच की जानी है। यह युवती मानसा जिले की रहने वाली बताई जा रही है। यह है पूरा मामला। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका पंजाबी यूनिवर्सिटी के नजदीक स्किन एंड हेयर क्लिनिक है। अविवाहित पीड़िता के जानकार के जरिए उसकी पहचान आरोपित स्वर्ण सिंह के साथ हुई थी। स्वर्ण सिंह ने कहा कि वह पीड़िता को नई तकनीक की मशीनें सस्ती कीमत पर दिलवा सकता है। इस वजह से यह लोग 20 नवंबर 2022 को स्वर्ण सिंह की गाड़ी में बैठकर जीरकपुर गए थे। जीरकपुर के पास पीड़िता की दोस्त उतर गई। वहां से यह लोग रात 8 बजे वापस थाना खेड़ी गंडिया के नजदीक नहर के पास पहुंचे। यहां नहर के किनारे आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकियां दी। सहेली के साथ होटल से भागी पीड़ित। इसके बाद आरोपित उसे चंडीगढ़ के एक होटल में ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा। ऐसे में लड़की ने अपनी सहेली को साथ लेकर आई, जहां आरोपित ने एक होटल में रूम बुक करवा लिया था। आरोपित ने दुष्कर्म की बात किसी से ना बताने के लिए पीड़िता को 3,81,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़िता ने बताया कि जैसे ही आरोपित होटल के कमरे के बाथरूम में गया तो पीड़िता अपनी सहेली के साथ वहां से भागकर पटियाला पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद पीड़िता ने SSP ऑफिस में लिखित रूप में शिकायत कर दी। थाना इंचार्ज मनप्रीत कौर ने कहा कि ट्रांसफर हुए पैसों की भी जांच की जा रही है।